La Mer is fantastic. I mean, that village, where the Bicester village, I'm from the UK, so I understand Bicester village in Oxfordshire very well. I've been there many, many times. So when that concept was presented, it was quite amazing, because I had also thought of something like that should come in. And I think people here are ready to adopt such models here. So I think on the overall, it was very, very well done. ला मेर के बारे में इन्होंने पूरी प्रेजेंटेशन दी है, वो बहुत ही ज़बरदस्त थी और वो जो जितना भी प्रोजेक्ट है वो मुझे बहुत जो है ना अच्छा लगा और इंशाल्लाह ताला हम उसमें जाएंगे, उसको देखेंगे, फिज़िकली भी विज़िट करेंगे और जो भी प्रेजेंटेशन में दिखाया गया वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग था। Well, I thought it was a great event. I didn't realise you were going to do such a fabulous job of making a new smart city, and it's really impressive. La Mer जो है वो मैंने दुबई में देखा था. It's kind of first in Pakistan जो आपको तीन चीज़ें एक ही छत पे देगा, which is dining, shopping और आपकी जो entertainment है. La Mer basically हमारे पाकिस्तान में एक ऐसा concept होगा जो लोगों को इंगेज भी करेगा और वैसे भी पाकिस्तान में ना बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, आपके पॉलिटिक्स के हालात का भी और आपके वर्क प्रेशर का भी। मेरे ख्याल में अगर इस तरह की प्लेसेस पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस की जा रही हैं तो ये हमारे लिए एक अट्रैक्शन है कि हम अपने स्ट्रेस को रिलीज़ कर सकते हैं और इस तरह की चीज़ों को इस तरह की चीज़ों से पाकिस्तान को प्रमोट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सब के लिए, रेस्टोरेंट्स वालों के लिए, हर शोबे के लिए बहुत ज़्यादा। 30% आपने दिया ग्रीन बेल्ट्स, वो कमाल है। मतलब फ्यूचर इसका नज़र आ रहा है, काफ़ी ब्राइट है। वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी, इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं बिज़नेस डेवलपमेंट के हवाले से, जो भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं इसमें ग्रो करने के लिए बहुत कुछ इसमें है। इंशाल्लाह ये ग्रो करेगा। I like it, and I was so amazed by this that they are doing so on such a high level, which is we don't know in Pakistan. There's no place like that. मैं कहूँगी कि बहुत ही अच्छा हुआ है, very nice, and इतना अच्छा project तो और भी मज़ा आया। I think ज़बरदस्त एक चीज़ बन रही है जो कि I think we should all look forward. जी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऐसी चीज़ को बनने जा रही है पाकिस्तान में, सो वी आर वेरी हैप्पी टू बी एंड एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ इट अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई होप कि ये सबको ला मेर का आहिस्ता आहिस्ता पता लगे एंड इंशाल्लाह यू नो विद इन द नेक्स्ट 6 months ये रियलिटी बनने वाली है। सो वॉच आउट गाइज, हियर वी कम।